रिलेशनशिप में कई बार हम पार्टनर से बस इतना चाहते हैं कि वो हमें टाइम दे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पार्टनर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। ये शो करता है कि पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है। अब इस वक्त हम परेशान हो जाते हैं, उनसे बात करने की अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं और हम कुछ ऐसी गलतियाँ भी करते हैं जिन गलतियों के वजह से पार्टनर हमसे और ज़्यादा दूर होते चले जाता है और हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है। वेल नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। जब आप इस वीडियो को पूरे तरीके से समझ लोगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे ज़रूरी बात, जब पार्टनर अपने लाइफ में बिजी है या आपको पार्टनर ये शो कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है, उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, उस सिचुएशन में जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो, आप उनके लिए फ्री होकर बैठ जाते हो। अब फ्री होकर बैठ जाने का क्या मतलब है कि आप थोड़े थोड़े देर में ये जानने की कोशिश करते हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब इस वजह से क्या होता है ना, वो या तो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना सीख जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, जब भी पार्टनर आपको ये शो करे कि वो उनके ज़िंदगी में बिजी है या फिर आपसे बहुत ज़्यादा कम बात करे, उस सिचुएशन में आप उनके लिए कम्प्लीटली फ्री होकर मत बैठ जाओ। आपने मॉर्निंग में भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आफ्टरनून में भी आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, इस प्यार की वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें उनकी गलती बताने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप ये बार बार करने लगते हो, यानी कि कम्प्लीटली उनके लिए जब आप फ्री होकर बैठ जाते हो उन्हें समझाने के लिए, तब वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं करना है। अब बात करते हैं फिर आखिर करना क्या है। रिएक्शंस को टाइम दो। अब रिएक्शंस को टाइम देने का क्या मतलब है, इस बात को आप बड़े ही ध्यान से समझना। अगर पार्टनर को आपने मॉर्निंग में कॉल किया, पार्टनर ने ये कह दिया कि अभी मैं बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, तो थोड़ा वेट करो, हो सकता है कि एक दिन उनका कॉल ही ना आए। लेकिन जब आप इस तरीके से उन्हें थोड़ा स्पेस देते हो, तब क्या होता है, धीरे धीरे वो भी एफर्ट्स डालने के बारे में सोचते हैं। अगर आप कहोगे नहीं नहीं इस वजह से तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, अगर हम उनसे बात ही नहीं करेंगे तो वो हमसे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अब आप इस बात को भी अंडरस्टैंड करो कि आप इतने दिनों से उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो या उनके कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश कर रहे हो, कि अभी तक रिलेशनशिप ठीक हुआ नहीं हुआ, बल्कि वो आपको इंटेंशनली और ज़्यादा इग्नोर करने लग गए। इसीलिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको भी दिखानी होगी, उनके रिएक्शंस को टाइम देना होगा। अगर उन्होंने ये कह दिया अभी बिजी हूँ बाद में बात करते हैं, तो वो कब आगे से इनिशिएट करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा टाइम लो। टाइम देने से मत डरो। मन में अगर आप ये डर रखोगे कि नहीं अगर हमने टाइम दे दिया तो ब्रेकअप ही हो जाएगा, अब इस डर की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएगी। क्योंकि जब आपके मन में एक बार डर आ गया कि रिलेशनशिप तो ख़त्म हो जाएगा, अब ये डर की वजह से आप क्या करोगे ना, उनके कॉन्टैक्ट में रहने की और ज़्यादा कोशिश करोगे, और जितनी ज़्यादा कोशिश वो उतना ज़्यादा आपको इग्नोर करेंगे। अब इस बात को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी आती है, इस बात को समझना, क्या वो आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, या सच में वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने लाइफ में बिजी है, वो अपने लाइफ में सच में कोई काम में बिजी है, बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है ना कि वो सच में अपनी ज़िंदगी में बिजी है, उस सिचुएशन में आप डिस्टेंस आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरे दिन में बस एक बार बात होती है तो आप ट्राई करो कि वो बात कितने अच्छे से हो सके, बल्कि ये नहीं कि आपके लिए सारी बातें ज़रूरी है मुझे छोड़कर, आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हो लेकिन मुझे इग्नोर करते हो। मैं जानता हूँ आपकी इच्छा हो रही है अभी क्योंकि आपका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर है, लेकिन अगर आप इस तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है ना वो सच में अपनी ज़िंदगी में बिजी है, तो कम बात करो, अच्छे से बातचीत करो, अपने साइड से ज़्यादा ब्लेम मत करो। सिचुएशन जब 15-20 दिन चले जाएंगे तो आप देखना धीरे धीरे वो आपको टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर फाइट होती है, आप उन्हें ब्लेम करते हो, ये जानने की कोशिश करते हो क्यों क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, पहले वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, अब टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसी सारी बातें आप उनके सामने करोगे तो वो आपको इग्नोर करना ही सीख जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एडजस्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडजस्ट करके चलो, उनके हिसाब से चलो,
मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि आपको वहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखानी होगी जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी में सच में बिजी है। आप कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, 100% आप डिपेंडेंसी बना लोगे कि बात हुई तो खुश, नहीं तो आप डिस्टर्ब। तो फिर इसमें आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनके सामने जाके कितनी ही फाइट कर लो, अगर वो सच में बिजी है तो वो आपको इग्नोर ही करेंगे। अब बात करते हैं, अगर वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, उनके पास टाइम तो है लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना उतना पसंद नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिना रिएक्ट किए कुछ दिनों तक एनालाइज करना। कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पार्टनर आपको अटेंशन नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अटेंशन देने लगते हैं। लेकिन इस बीच अगर आपके बीच में फाइट होने लग जाए या आप कोई गलती कर दो तो उन्हें तो एक बहाना मिल जाता है, और जैसे उन्हें बहाना मिलता है वो फिर आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको इसी बात को बहुत ध्यान से समझना होगा, जहाँ पर वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आपको ये फील हो रहा है उनके पास टाइम था लेकिन उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उन्होंने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, उस सिचुएशन में आप कुछ दिनों तक एनालाइज करो, 4 to 5 days तक आप थोड़ा एनालाइज करो, अपने साइड से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश मत करो, ये देखो कि वो खुद से कैसी बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है अभी उनका इंटरेस्ट थोड़ा लूज़ हुआ हो, अभी उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही है, ये बातें होती है। लेकिन जब आप थोड़ा एनालाइज करते हो, और इसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपके तरफ से कोई गलती हुई है, आप कोई गलती बार बार कर रहे थे, जैसे बार बार आप उन्हें फ़ोन कॉल्स करके डिस्टर्ब कर रहे थे, बार बार मैसेजेस कर रहे थे, तो धीरे धीरे अपनी इन गलतियों को भी सुधारने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि ज़बरदस्ती आप किसी को भी अपना बना सकते हो। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं जब आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। इसीलिए अगर आपके साइड से कोई गलती हो रही है, आपकी गलतियों के वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो धीरे धीरे अपनी गलतियों को बदलो। एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं कि आपने एक दिन खुद को बदल दिया और दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं, पहले आप खुद को बदलोगे, वो बदलने की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, सिचुएशन में जब बदलाव आएगा तो वो ये बातें नोटिस करेंगे। इसीलिए आप ये कभी मत सोचना कि आपको 1-2 दिन में ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अपनी गलतियों को ठीक करो, आप ये देखने की कोशिश करो कि आप कहाँ कहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, पहले उन बातों को ठीक करो। अगर फिर भी आपने खुद को भी बदल कर देख लिया, आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाल के भी देख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ये इतने अच्छे से करते हो ना, तो 80% चांसेस है कि रिलेशनशिप में धीरे धीरे वो आपको अटेंशन देने लगेंगे। लेकिन उन्हें ये महसूस मत कराओ कि ये आप जानबूझकर कर रहे हो, धीरे धीरे वो खुद ही नोटिस करेंगे, धीरे धीरे उन्हें खुद ही समझ में आएगा कि अब आप पहले से ज़्यादा शांत हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, और जब भी आप शांत और रिलैक्स रहते हो ना, तो कोई भी आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उन्हें आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर आपने इस बात को समझ लिया कि पहले आप खुद को चेंज करोगे, 80% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और फिर भी अगर कुछ बातें हैं जो सॉल्व नहीं हो रही है, वो फिर भी अपना बिहेवियर नहीं बदल रहा है, या वो किसी और को डेट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है, तो इतना सब करने के बाद आपको डायरेक्टली उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, वो रिलेशनशिप में रहने के लिए सीरियस है या फिर नहीं। अगर वो क्लैरिटी भी नहीं देते हैं, अगर आपको वो जाने भी नहीं देते हैं और आपके साथ भी वो नहीं रहते हैं, अगर आप चाहते हो कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बना दूंगा। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।